कितने सुंदर फूल हैं। किसने दिए? मुझे लगा आपने यहाँ रखवाए होंगे। नहीं, मैंने नहीं रखवाए। फिर कौन हो सकता है? हो सकता है होटल वालों ने रखवाए हो। लेकिन इस पर तो सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा है। अगर होटल वालों ने रखा होता तो इस पर लिखा होता सिर्फ आपके लिए। अब राधिका, ये मलेशिया है, हिंदी थोड़ी ना आती होगी। अच्छा छोड़िए, अब आप मुझे मलेशिया घुमाने लेकर चलिए। हाँ, पर पहले इन फूलों को अंदर तो रख दूं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। आप ठीक तो है ना? काफी कट गया है, रुमाल दीजिए। अब हाथ को जोर से मत कसी वरना खून और बहेगा। खून तो रुक जाएगा लेकिन घाव बहुत गहरा है। यहाँ कोई आसपास में दवा खाना नहीं है? अगर आपको दर्द ज्यादा हो रहा है तो हॉस्पिटल ले चले। अजीब आदमी है। खैर छोड़ो, चलो ना बिटिया। हर दम ऊ कमरे में बैठी रात। अरे थोड़ा घुमा फिरा कर, इतो बड़ो घर है। हाँ, यहाँ तनिक बैठक में बैठ और सबसे बातचीत कर। तो को ऊ कमरे में बैठे रहने की कोई सजा ना मिली है? सजा की बात नहीं है अम्मा, पर आप जानती है ना कि राधे राधे छोटी बहू। राधे राधे। राधे राधे छोटी बहू, कैसी हो? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, हम आपके विवाह में आए थे। साल भर से भी पुरानी बात हो चुकी है। तुम्हारे विवाह के तुरंत बाद हम धर्म यात्रा पे चले गए थे, आज सुबह ही लौटे। ब्रह्मानंद, हम मठ जाने से पहले यहां चले आए तुम्हें महाप्रसाद देने के लिए। ग्रहण करो छोटी बहू। ले लो बेटी, ग्रहण करो। बिटिया ले लो प्रसाद, तोरे भाग में ही लिखो है। ये प्रसाद तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रसाद को हाथ लगाने की?
ये धर्म यात्रा के उद्यापन का महाप्रसाद है जो सिर्फ छोटी बहू के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। हमसे कोई त्रुटि हुई माँ जी? इकन्या आपकी छोटी बहू है ना, शास्त्री जी की बेटी विशाखा? ये लड़की विशाखा जरूर है, लेकिन इस घर की छोटी बहू नहीं। हाँ महाराज, ये लड़की इस घर की छोटी बहू नहीं है। सच कहूं तो ये इस घर में खड़े होने के योग्य भी नहीं है। हमारे पिछले जन्म के किसी पाप की वजह से आज हमें इस लड़की को यहां सहन करना पड़ रहा है। जब मैंने इसे प्रसाद दिया तो इसने कुछ कहा भी नहीं। कैसे कहती महाराज, कैसे कहती है? धोखा देना, किसी के विश्वास का गलत फायदा उठाना, ये तो इसकी फितरत में है। लेकिन याद रखना विशाखा, तुम इस घर की छोटी बहू नहीं हो, तुम सिर्फ वो असहाय लड़की हो जिसे इस घर के मालिक ने थोड़े समय के लिए आश्रय दिया है, बस। महाराज, किसी धोखे की वजह से देव की शादी इस लड़की से हो गई, जिसका हरजाना हम आज तक भुगत रहे हैं। ना उस दिन वो गलती हुई होती और ना ही हमारे परिवार को इतनी बदनामी का सामना करना पड़ता। तो मिली? हाँ। So, क्या कहा था मैंने? आपने बिल्कुल ठीक कहा था। अब समझ में आ रहा है आप क्यों चाहती थी कि मैं एक बार उसे देखूं। मेरे पास वजह थी। वजह तो मुझे मिली जीने की, उसे देखकर। बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। मैं चाहती हूं जब आप मेरे साथ हो तो समय की गति बिल्कुल धीमी हो जाए, पर यहां तो पलक झपकते ही समय बीत रहा है। कोई बात, हम इस पल को यहीं रोक लें। वो कैसे? इस पल को यादों का हिस्सा बनाकर, ताकि सालों बाद भी तुम कभी ये ना भूलो कि यहां बैठकर मैंने तुम्हें चूमा था। हम ऐसा करेंगे राधिका कि हम जहां भी जाएंगे, जहां भी घूमेंगे, हम कुछ ना कुछ ले लेंगे।
याद रखने के लिए। लेकिन अभी हम जहाँ कहीं भी घूमे हैं वहाँ से तो हम कोई भी यादें नहीं लेकर आए। कोई ना कोई बात तो हुई थी राधिका, जैसे एयरपोर्ट पर दूसरा बैग उठा लिया था, फिर होटल में किसी और पेपर्स पर साइन कर लिया था, फिर वहां एक हादसा हो गया था, उस आदमी ने अपना हाथ काट लिया था। कैसा अजीब आदमी था ना, बिना कुछ बोले ही चला गया। जरूर उसके मन में कोई द्वंद्व चल रहा होगा, वो वहां मौजूद तो था लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। जब कोई इंसान बहुत परेशान होता है तभी ऐसा व्यवहार करता है। अच्छा बस हम अपनी यादें बना रहे हैं ना, तो हम दूसरों की बातें क्यों करें। हेलो दादी माँ। राधिका मैं सोच ही रही थी तुमसे बात करूं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। दादी माँ मैं दूर से ही, लेकिन मन के तार तो जुड़े हुए हैं ना। नहीं नहीं हमसे नहीं, अभी तुम्हारे मन के तार देव के साथ जुड़े होना चाहिए। एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे के साथ रहो, हम सबको भूल जाओ। देव कैसा है रे? अच्छे हैं दादी माँ, खुश हैं। और तुम? मैं तो बहुत खुश हूँ दादी माँ। हम यहाँ जगह जगह घूमे हैं और हमने अलग अलग जगहें देखी हैं। और उसकी परेशानियाँ? नहीं दादी माँ, सब परेशानियों से दूर हैं वो, हर चिंता से दूर, हर तनाव से मुक्त हैं। यहाँ उनके साथ सिर्फ मैं और मेरा प्यार है। बस सुन के निश्चिंत हो गई। अब जो ये अच्छी खबर सुनाई है ना, इसके साथ अब जल्दी से दूसरी खुशखबरी भी सुना दो मुझे, याद है ना? दादी माँ मैं रखती हूँ, राधे राधे। क्या हुआ? देव राधिका बहुत खुश है। मुझे पूरा यकीन था कि राधिका का प्यार देव के मन से वो सारी चिंताएं निकाल देगा जो उसने विशाखा के लिए पाल रखी। देव को इस बात का एहसास हो जाएगा कि विशाखा उसकी जिम्मेदारी नहीं है और हर वक्त उसका ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। विशाखा, यहाँ आओ। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या, या फिर तुमसे समझदारी की उम्मीद करना ही बेकार है। एक नए शादीशुदा जोड़े के कमरे में रहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पति पत्नी को अलग करके तुम बहुत खुश हो ना? एक बात सुन लो ध्यान से, आज से तुम देव के कमरे में नहीं रहोगी। जाओ विशाखा जाओ, तुम्हारा सामान गेस्ट रूम में पहुंचा दिया जाएगा। और हाँ एक बात अच्छी तरह से याद रखना, देव अगर तुम्हारी मदद कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम राधिका की बहन हो। और राधिका, राधिका देव की पत्नी, धर्म पत्नी, सुन लिया? समधिन जी, हमने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? एक पराई लड़की नए शादीशुदा जोड़े के कमरे में रहे, ये क्या अच्छा लगता है? आप बड़ी हैं, समझदार हैं। इसे समझा दीजिए कि ना तो इसका देव पर कोई अधिकार है और ना ही इस घर पर। सुनिए देखिए ना वहां कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, चलिए। इसका तो ना ही आंचल है और ना ही सलवार, चलिए ना वहां अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, चलिए।
Hello sir, hello ma'am. जी साड़ियाँ दिखाइए ना. Show me something new. We start a collection. We have more colors. Okay. राधिका तुम देखो मैं अभी आया. Would you like to try this, ma'am? जी क्या आप इसे पहनना चाहेंगे? जी नहीं, ये रंग उनको पसंद नहीं. क्या हुआ राधिका, कुछ पसंद आया? जी देखिए ना कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं. हाँ ठीक है, pack these too. Okay sir. Thank you. चले. राधिका मेरा तो कुछ भी खाने का मन कर रहा है, ऑर्डर तुम दो. कुछ भी मतलब जो पत्नी पति को प्यार से खिलाए. मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ही दे दीजिए ना. राधिका ऑर्डर तो तुम ही करोगी क्योंकि मैं वही खाऊंगा जो तुम ऑर्डर करो. पर ऑर्डर तो तुम्हें देना ही होगा राधिका. ठीक है फिर अगर कुछ बात में गलत निकला तो बोलिएगा मत. हाँ ये वाला. दिस आवर सागर स्पेशल डिश. गुड वंडरफुल. 5 मिनट. थैंक यू. तब तक जूस पियो. तब तक ये जूस पियो. लो खाना आ गया. Selamat datang ke restoran Saga. Ni makanan ayam, ayam panggang. Makanan terlalu enak, sedap, terlalu lazat. खुशबू तो अच्छी आ रही है ना. चलो शुरू करते हैं. बहुत अच्छा. और ये जगह भी बहुत अच्छी है. आप मुझे दोपहर में यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? मैंने कहा ना तुमसे, मुझसे गलती हो गई थी. आना तो मैं यही चाहता था पर गलती से कहीं और चला गया था. अब जब तक हम यहाँ हैं, हम यहीं आकर खाना खाएंगे. राधिका घूमेंगे भी खाएंगे भी और क्या? क्या राधिका हम यहाँ अपने हनीमून पर सिर्फ खाना ही खाने आए हैं क्या? नहीं ना, अपनी नई जिंदगी भी शुरू करने आए हैं. और बाकी तो आप क्या क्या कर रहे हैं? ओब, I'm so sorry. मैं शायद गलत कमरे में आ गया, शायद गलत फ्लोर पर आ गया हूं. मुझे चौथी मंजिल पर जाना था. I'm sorry. सुनिए अब आपका हाथ कैसा है? आपने डॉक्टर से मरहम पट्टी तो करवाई थी ना? आपकी तो पट्टी खुली हुई है. हाँ
राधिका ये हमारे कमरे में गलती से आ गए थे, इनका कमरा ठीक ऊपर चौथे माले पर है। अब कैसा आपका हाथ? एक्सक्यूज मी, बहुत सुंदर लग रही हो। जी लो, पहले देख तो लो इसमें क्या है। क्यों? इसमें वही ड्रेस है जो मैं मॉल में देख रहा था। हेलो, मैं जानता था इस रंग में तुम बहुत अच्छी लगोगी। जी आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, क्या हुआ? किसी का फोन आया था, कह रहा था कि मैं इस रंग में अच्छी लग रही हूँ। कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है राधिका, मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत दिखती है कि उसकी तारीफ करने के लिए लोग बहाने ढूंढते हैं। मजाक मत कीजिए, कौन हो सकता है? अरे बाबा, किसी से गलती से फोन लग गया होगा। अब इस होटल में कितने सारे लोग रहते हैं, कई भारतीय भी रहते हैं, हो सकता है किसी पति ने अपनी पत्नी के लिए या प्रेमिका के लिए कोई तोहफा लाया हो, या फिर वो भी हमारी तरह अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हो, है ना? राधिका, अब इतना भी मत सोचो। देखो तुम खुद ही गिनो, आज का दिन बहुत खास है, आज हमारी सुहागरात है, और आज का मैं एक एक पल यादगार बनाने वाला हूं। आज की रात मैं तुम्हें एक नई नवेली दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं। क्यों नहीं सर? Are you going in the room, sir? Yes. Sir, your cake. Oh, thanks. And what about the flowers? It's coming, sir. Sir, would you like to select your flowers personally, sir? Yeah, sure. Sir, come this way.
निकला है। अब तो दरवाजा भी बंद हो गया। कौन आ गया? तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो राधिका कि तुम्हारी आंख से काजल लेकर तुम्हारी गाल पर लगा दूं, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। तुम ये सोच रही होगी ना कि मैंने ये केक क्यों मंगवाया है? राधिका, मैं आज की रात यादगार बनाना चाहता हूं और आज हमारे नए जीवन का जन्मदिन है, इसलिए मैं चाहता था कि हमारे नए जीवन के जन्मदिन पर हम केक काटें। आओ। राधिका, तुम जानते हो आज रात का तुम्हारे लिए एक और तोहफा बाकी है। क्या? ऐसे नहीं, पहले तुम आंखें बंद करो। हाँ? अरे करो ना। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।